समय न गवाते हुए दर्शकों का हम सीधा सीटों का रुख करते हैं और एक बार और दर्शकों को बता देंगे। दोस्तों जो कल चुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर को झारखंड के अंदर, वहां पर 689 उम्मीदवार हैं इन 43 विधानसभा सीटों पर। 689 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है कल की किसको अब विधानसभा भवन तक कौन पहुंच पाएगा या किसकी जो है गाड़ी का पहिया बीच में ही कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है। तो अब मैं सीधा समय न गवाते हुए दर्शकों को वो सीटें दिखाऊं और जो वीआईपी सीटें कहीं ना कहीं और 43 वो सीटें। दोस्तों इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव होना है और ये 43 वह सीटें हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक एक सीट की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी जो राजनीतिक एक्सपर्ट सत्येंद्र जी हैं वो आपको बताएंगे कि किस सीट पर जो है किसकी पकड़ मजबूत है और बढ़त किसको मिल रही है अभी आज के दौर में। तो सत्येंद्र जो पहली सीट है, मैं समय न गवाते हुए सीधा आपसे जानना चाहूंगा कि कोडरमा जो पहली विधानसभा सीट है, कोडरमा जहां पर चुनाव होने वाला है, कोडरमा में आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि इस बार जो है किसकी स्थिति कोडरमा में मजबूत लग रही है, कल चुनाव होने वाले हैं वहां पर। अब बिल्कुल भरत, कोडरमा के अंदर जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले यहाँ पे रैलियों का दौर भी था और यहाँ पे जो बात हुई थी लालू प्रसाद यादव की बात हुई थी, क्योंकि यहाँ से जो चुनाव लड़ रही हैं और ये वीआईपी सीट्स में भी शामिल है। और मैं चाहूंगा कि भरत हम अपने दर्शकों को वीआईपी सीट्स है, जो वीआईपी सीट्स में जो बड़े नेता है कौन पिछड़ रहा है और कौन बाजी मारता दिख रहा है, तो कोडरमा की जो आपने बात की यहाँ से डॉक्टर नीरा यादव चुनावी मैदान पे हैं और इनके सामने सुभाष यादव हैं, जो कि ठीक कुछ दिन पहले की हम बात करें यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, हम संस्थापक कह सकते हैं उनको, और अभी तेजस्वी यादव जो उनके बेटे हैं वो पार्टी को देख रहे हैं। तो यहाँ से आरजेडी की तरफ से इंडी गठबंधन ने जो चुनावी मैदान पे उतारा है वो सुभाष यादव को उतारा है। और जो हम बात करें नीरा यादव एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए की तरफ से, एक बड़ा चेहरा है और उनके सामने सुभाष यादव है। तो इस सीट पे यादव वर्सेस यादव, क्योंकि जो ऐसी सीट है जहां पे यादव वोटर्स की बहुतायत है, बड़ी मात्रा में जो यादव है वो वोट करते हैं, यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ पे जो पकड़ आरजेडी की भी रही है। और यहाँ पे जो पकड़ हम बात करें कि नीरा यादव यहाँ से वो भी विधायक रह चुकी है, तो इस प्रकार से जो है सीट है बहुत वीआईपी हो जाती है भारत। लेकिन अगर हम आज की बात करें कि इस सीट में क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से यहाँ पे एकदम जो चुनाव है वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो रही है दोनों को, वही आरजेडी को अपने अस्तित्व को कायम रखना है, वही जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पे रैली की है तो उनकी रैली का भी सवाल है, उनकी नाक की हम बात करें या फिर उनके सम्मान की बात करें, तो जहां अपना अस्तित्व बचाना है लालू यादव का कि उनका कितना प्रभाव है उसके अंदर, वही जो नीरा यादव यहाँ से विधायक हैं उनको भी अपनी सीट बचानी है और अपने अस्तित्व को कायम रखना है। तो क्या लगता है कि जो ये सीट है कोडरमा जहां से नीरा यादव अभी वर्तमान में विधायक है, किस ओर पलड़ा भारी लग रहा है, किसकी पकड़ मजबूत लग रही है, किस ओर जो वोटरों का रुझान होगा। कल हम बात करें 13 नवंबर को यहाँ पे जो मॉर्निंग से वो वोटिंग चालू हो जाएगी, तो क्या लगता है भारत इस यहाँ पे बढ़त किसकी मजबूत दिख रही है। सत्येंद्र बिल्कुल, जो ये सीट है कोडरमा और जो डॉक्टर नीरा यादव है, नीरा यादव कहीं ना कहीं जो चाहेंगी कि इनकी ये सीट रही है दो बार से लगातार वो इस सीट पर बरकरार रहे। लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने जो है कि राजद के जो प्रमुख हैं अभी उनने यहाँ पर सभा की है तो उसका प्रभाव इस सीट पर जरूर माना जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एनडीए जो है गठबंधन, क्योंकि वहां पर जेएसयू जेबीएम और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जो है एकजुट होकर चुनावी मैदान में है, और नीरा यादव इससे पहले जब चुनाव जीती थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में हुआ करती थी, इनके अगेंस्ट में जो है जेबीएम भी चुनाव होती थी, एजीएसयू भी चुनाव होती थी। इस बार ऐसा नहीं है,
इस बार ऐसा नहीं है, सभी नेता जो है एक ओर रुख कर रहे हैं, ये तमाम जो इन पार्टियों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जी वो कहते जी जी नहीं बीजेपी, क्योंकि एक कैंडिडेट सभी ने दिया है। मुझे लग रहा है कि जो ये सीट है कोडरमा, एक जी कहीं ना कहीं जो नीरा यादव है जी उनके खेमे में जाते हुए लग रही है। आपको क्या लगता है, आपके जो बिल्कुल सूत्र यानी जो स्रोत बिल्कुल है, आप जी। वो क्या कह रहे हैं इस भरत सीट पे भरत कैसे जिस यादव प्रकार जाते हैं? से यहाँ पे समीकरण बन रहे हैं, नीरा यादव की जो पकड़ है एक महिला वोटर्स पे, और जो युवा वोटर्स है शिक्षित भी है, और तो जो समीकरण बन रहे हैं, अगर तो इस प्रकार से लग रहा है कि नीरा यादव यहाँ से मजबूत यानी एनडीए की कैंडिडेट जो कोडरमा विधानसभा सीट है, तो यहाँ से विधान लग रही है और नीरा यादव के जो पक्ष है यहाँ पे तो मजबूत दिख रही है इस विधानसभा सीट से। बिल्कुल भरत सही है। तो अगर हम बात करें कोडरमा विधानसभा सीट में, तो अभी वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ से नीरा यादव मजबूत दिख रही है, एनडीए मजबूत स्थिति में लग रही है जी। बिल्कुल दोस्तों, और जो भारत मैं एक कोडरमा, बात और बता दूं, एक और बात बता दूं, जिस प्रकार से हमने बताया कि कोडरमा में जो एनडीए खेमा है, क्योंकि अभी झारखंड के अंदर जो चुनाव लड़ रहा है एनडीए वर्सेस जेएमएम प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में आरजेडी बात करें, और हम कांग्रेस पार्टी और जेएमएम और सीपीआई एमएल, ये पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मुख्य रूप से चुनावी मैदान पे